मॉर्निंग दोस्तों, नया दिन, नई जगह, नई शुरुआत। और मेरे साथ हैं मेरे यार मिस्टर गौरव अंसल। अभी हमारी बस आएगी, फिर आपको ले चलते हैं साथ साथ अबू धाबी से दुबई की ओर। अपनी गाड़ी आ गई है और ये है अपनी गाड़ी टेस्ला। जी फाइनली पहुंच गए हम डेस्टिनेशन में। हमारी एंट्री है 12 बजे के बाद और तब तक हम लोग ले रहे हैं ब्रेकफास्ट का मज़ा, प्योर बैच। वो गौरव भाई बेचारे चाय लेके भी आ गए, थैंक यू। चलो पहली बाइट लेते हैं दुबई में, लेट्स सी कैसा टेस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी एग्जैक्टली उस जगह पहुंचा हूं जहाँ पे मैंने केक काटा था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया दिन, नई जगह, नई शुरुआत। और मेरे साथ हैं मेरे यार मिस्टर गौरव अंसल। और ये रहा जी सारा एयरपोर्ट का एरिया, ये है अबू धाबी एयरपोर्ट और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये अपने आप में। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये हार्डली 2% होगा इसका। और हम आउटर में आ गए अब, क्योंकि अंदर आपको पता है बहुत सारी सिक्योरिटीज़ के रीज़न होते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा अंदर शूट करना। तो बस अभी ये हमारी ना शटल बस यहाँ पे आ रही है, तो हमने बस का टिकट लिया जो हमें पड़ा है 35 दिरहम का फ्रॉम अपना अबू धाबी एयरपोर्ट से लेके दुबई का एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक। वहाँ से फिर मेट्रो में हार्डली हमारे 50 दिरहम और लग जाएंगे, तो टोटल जो कॉस्टिंग हमारी पड़ेगी वहाँ पहुँचने की इंडियन रुपीज़ में लगभग 5,000 के आसपास। अगर हम टैक्सी कर रहे तो ये हमें 15,000 के आसपास की पड़ रही थी, तो इसलिए बेहतर है। और सारी बसेज यहाँ पे एसी बसेज होती हैं, वो जो आपको दिख रही हैं, इस तरह की शटल बस हमारी आएगी और उसमें हम चले जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ दुबई में ना कितनी ज़्यादा गर्मी है। और पेड़ों के लिए देखो ड्रेनेज सिस्टम और पानी का क्या सिस्टम है। अभी ना ये मशीन चल रही थी ये पानी वाली, जैसे हम लोग अपने खेतों में भी कर रहे हैं ना आज की डेट में, वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। और इसकी वजह से देखो ये पेड़ बेचारा, एटलीस्ट इसको पानी मिल पाएगा क्योंकि ऊपर तो इसके छत है, पानी कभी इसको वैसे बारिश में मिलेगा नहीं। और वैसे दुबई में बारिश होना साल में मतलब 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बारिश होगा, इससे ज़्यादा बारिश नहीं होता, और वो भी आर्टिफिशियल बारिश होती है ज़्यादातर। तो ये है बस, अभी हमारी बस आएगी फिर आपको ले चलते हैं साथ साथ अबू धाबी से दुबई की ओर। और एक और चीज़ देखो, दुबई में ना स्मोकिंग के लिए स्पेशल एरियाज़ बने हैं, ये सारा जो जोन है ना ये स्मोकिंग जोन है। और ये वैसे रूम बना रखा है स्पेशल, इसके अंदर भी देखो आप एशेज होंगी बहुत सारी, सिगरेट के लास्ट के हिस्से पड़े होंगे, बट लोग ओपन में भी पी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं पी रहे हैं, बट उस साइड बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ का कस्टम रूल्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमेशा, कभी इशू नहीं आएगा। और सबसे बड़ा कंसर्न, जैसे हमें इंडिया में इशू आया था ना लास्ट ब्लॉग में, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो चेकआउट करिएगा कि कितनी बड़ी दिक्कत हो गई थी हमारे साथ। और लगभग गौरव भाई का तो आना कैंसिल हो ही गया था 60-70%। तो बस फिर हमने फटाफट कुछ जुगाड़ सेटल करके सब कर दिया। और वो इशू कौन क्रिएट कर रहे थे, एयरलाइंस वाले, ना तो इमिग्रेशन वालों ने परेशान करा और ना हमें दुबई में तो बिल्कुल ही नहीं पूछा। तो गौरव भाई से जानते हैं एक्सपीरियंस, वो एयरलाइन वाली लड़की नहीं थी, उसको पता ही कुछ नहीं, खुद ही पता नहीं था ना। और वो हर चीज़ में ना अजीब से क्वेश्चन करी जा रही थी, आपके पास पैसे कितने हैं, फिर गौरव भाई ने बताया इतने पैसे हैं, अच्छा चलो ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम बड़े लॉफुल आदमी हैं, बट होता है। पर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इंडिगो, ध्यान रखें इस बात का। बस राइड हमारी हो गई है फिनिश, और ये थी बस जिसमें हम आए, और अब हमने कर लिए यहाँ से कैब। और कैब और मेट्रो में लगभग बराबर था, थोड़ा सा फ़र्क था, तो इसलिए हमें लगा कैब में ज़्यादा अच्छा है। और ये है मेट्रो स्टेशन, देखो यहाँ से मेट्रो अगर जाएगी तो दिखाता हूँ आपको। और एक जो यहाँ पे रिसेंट में आपने देखा होगा कि दुबई में ना एक हिंदू टेम्पल बना, और जो बहुत खूबसूरत भी है और जिसको इंडिया में बहुत लोगों ने प्रेज़ भी करा कि दुबई के साथ अच्छे रिलेशन हो रहे हैं,
तो वो ये आगे आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला मॉल सा देखो, इसका नाम है इब्न बतूता गेट। इसी के बैक साइड में है थोड़ा सा, मतलब यहाँ से मान लो कि 3-4 किलोमीटर के आसपास, तो वो टेंपल आपको यहाँ दिख जाएगा। अभी हम ऑलमोस्ट दुबई की बाउंड्री में हैं, मतलब सिटी की, दुबई सिटी की बाउंड्री में आ चुके हैं, और बस यहीं पे हमारी गाड़ी आ जाएगी। तो यहीं से हम गाड़ी में बैठ के सीधे ही उधर, वो देखो वहाँ पे भी टैक्सी है ना, यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी वाले भी आ गए हैं, वो सामने रही हमारी टैक्सी, वाइट लेक्सस। अब यहाँ पे देख लो लेक्सस गाड़ी है ना, टैक्सी में मिलेगी आपको। अपनी गाड़ी आ गई है, और ये है अपनी गाड़ी टेस्ला। ये देख लो सामने लोगो टेस्ला का, और बस सामान रखते हैं। सो जी, फर्स्ट राइड इन टेस्ला। ये आगे टेस्ला की राइड्स चलें सर। लोकेशन तो आई गई है ना आपके पास? हाँ, बिजनेस प्ले में ना, एग्जीक्यूटिव टावर है। अभी एक राइड करा था, उन्हें कैंसिल कर दिया। मुझे लग रहा है वो चार्जेस हमें पड़ रहे हैं क्या उसके? कब किया है, कितनी देर हुआ सर? अभी हुआ शायद 10 मिनट हुए। यहाँ पे वो वेट कर रहा था, वो नहीं कर रहा था पर हम कर रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता? वो फोन उठा नहीं रहा है और ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। जी फाइनली पहुँच गए हम डेस्टिनेशन में, और इस टावर में शायद या इसमें से एक में हमारा रेजिडेंस है, और ये है बिजनेस में। बाकी ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं राइडर, और ये इनकी खूबसूरत गाड़ी टेस्ला। चलो ठीक है ब्रो, नाइस टू मीट यू। तो दोस्तों अभी हम डाउनटाउन तो पहुंच गए हैं, बट हमारी एंट्री है 12 बजे के बाद, और तब तक हम लोग ले रहे हैं ब्रेकफास्ट का मज़ा। प्योर वेज छोले भटूरे, अचार, प्याज, और कहाँ पे ओरिजिनल द बीकानेरी, बीकानेर वाले। और जिस मॉल में अभी हम बैठे हैं वो ये वाला बे एवेन्यू। वो गौरव भाई बेचारे चाय लेके भी आ गए, थैंक यू। चलो पहली बाइट लेते हैं दुबई में, लेट्स सी कैसा टेस्ट होने वाला है। चलो गौरव भाई, मुबारक हो आपको दुबई की पहली बाइट, देखते हैं क्या बनता है, कैसा टेस्ट है। ओह, यहाँ पे हरी मिर्च भी है, छुपा के दी हुई है। अचार ठीक है, आलू नाइस। तो चलो जी ब्रेकफास्ट निपटाते हैं फटाफट, फिर तब तक 12 बजे जाएंगे हम आराम से खाते हैं, ताकि हम कहीं और ना जाएं। क्या मज़ेदार वाटर शो होगा, मज़ा आ गया। देखो ये लाइटिंग अब जल गई है, पहले तो बुझ गई थी। कैसा लगा? बहुत ऑसम। बहुत ऑसम। वहाँ से लेके लास्ट टाइम में जब आया था ना, तो आई थिंक वो रहा ना गेट समवेयर, यहाँ पे मैंने केक काटा था, इस जगह पे ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ना आगे एक बड़ी सी वो लगी है डिस्प्ले, जिसमें आई लव दुबई लिखा है, और वहाँ से हम आए थे। ये जो रोड सा दिख रहा है ना आपको, सारी गाड़ियाँ यहीं से एंटर करती हैं। और ये रहा दुबई का झंडा, झंडा ऊंचा हमेशा, हर देश का प्राउड। तो फ्रेंड्स अभी एग्जैक्टली उस जगह पहुंचा हूं जहां पे मैंने केक काटा था। आई थिंक यहाँ तो इस वाले पे या शायद आगे वाले पे, मुझे थोड़ा ना इसके साथ रिलेट करना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है नंदू उसके सामने थे हम, अब वो वीडियो क्लिप्स मैं डालूंगा यहाँ पे, फिर आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हमने बर्थडे का केक, मेरे बर्थडे का केक मैडम जी ने कटवाया था। क्या मज़ेदार मोमेंट था,
और यहाँ पे चल रहा था न्यू ईयर काउंटडाउन भी चल रहा था, पर हमने उससे पहले काटा था। और फिर इस साइड से आए थे हम, इस बारी हम दूसरी साइड से आए, उस साइड से आए, इस बारी बिजनेस में से आए, पिछली बारी हम अनवर्षा वाली साइड से आए।